फ्रेंड्स, आज हम आपको अपने पड़ोसी देश के बारे में कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे। सो लेट्स अनकवर द बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुणाल, वेलकम टू स्टोरीज अनकवर्ड। किसी भी देश की असली ताकत होती है उसकी इकोनॉमी, और पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जानना हो तो गूगल इमेजेस पर भिखारी वर्ड टाइप करके देखिए। हाथ में कटोरा लिए आपके सामने ये शख्स दिखाई देंगे। 2021 में पाकिस्तान का टोटल कर्जा ₹45.47 ट्रिलियन हो गया है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को इंडिया से कंपेयर करना बेशर्मी होगी, मगर इतना बता देते हैं कि अकेले महाराष्ट्र, जिसकी इकोनॉमी इंडिया के टोटल इकोनॉमी का सिर्फ 14% है, वो भी पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। स्वाभाविक है, ऐसे हाल में देश के वजीरे आजम हाथ में कटोरा लिए ही दिखेंगे। तो चलिए अपने पड़ोसी के कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। देखिए, 2019 में चाइना ने पाकिस्तान को $42.5 बिलियन का रिलीफ लोन दिया। अब कर्जा तो ले लिया, मगर दुकान तो चल नहीं रही, तो पैसे कैसे लौटाएंगे? जवाब है गधे बेचकर। नहीं, मजाक नहीं है फ्रेंड्स, बल्कि ये एक फैक्ट है। इन 2021 पाकिस्तान हैज डिसाइडेड टू पे बैक चाइना बाय एक्सपोर्टिंग फ्री डोंकीज। देखिए, पाकिस्तान के पास दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट डोंकी पॉपुलेशन है। नहीं नहीं, हम इन जैसों की बात नहीं कर रहे हैं, वैसे ये भी कोई कम नहीं है। और चाइना में डोंकी स्किन की भारी रिक्वायरमेंट है। ये अपने यहाँ इस डोंकी स्किन से एक ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाते हैं, जिससे ह्यूमंस की इम्यूनिटी बढ़ती है। अब इतने गधे चाइना कहाँ से लाए? बस आ गए इमरान खान अपने ऑल वेदर फ्रेंड चाइना की हेल्प करने। इसी पॉलिसी के लिए खुद पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को डोंकी किंग की उपाधि दी गई है। और ये हमारे वर्ड्स नहीं है, बल्कि उनका पार्लियामेंट ऐसा बोल रहा है। चलिए, अब गधों के बाद पाकिस्तान और क्या दे सकता है चाइना को? जवाब है जवान लड़कियां। ये कोई एलिगेशन नहीं है फ्रेंड्स, बल्कि रिकॉर्डेड फैक्ट है। ये पाकिस्तान का एक निहायती घिनौना साइड दर्शाता है। मगर यहां सवाल उठ के ये आता है कि चाइना को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, कारण है चाइना का बिगड़ता सेक्स रेशियो। चाइना में हर 114 मेल्स के अगेंस्ट सिर्फ 100 फीमेल्स है। ये किसी देश का पूरे दुनिया में सबसे खराब सेक्स रेशियो है। Today, China has the world's most unbalanced sex ratio. For every 114 males, there are 100 females. In China, there are 30 million more men. वहाँ लड़के वालों को average $60,000 तक देना होता है किसी लड़की से शादी करने के लिए। $60,000, यानी कि इंडियन रुपीस में 45 लाख से भी ज्यादा। Big reason to worry. But no worries, इमरान खान है ना? So, एक चाइनीज आदमी पाकिस्तान में आकर प्रॉपर ब्रोकर्स के थ्रू 3 लाख से 10 लाख देकर पाकिस्तानी लड़की को अपने साथ चाइना ले जा सकता है। अब आप बोलोगे कि ये मुद्दा मैंने माइनॉरिटीज में क्यों उठाया? ये इसलिए क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ अपने हिंदू, क्रिश्चियन, सिख या फिर शिया पॉपुलेशन की लड़कियों को ही इन ब्रोकर्स के थ्रू बेच रहा है। इनको या तो एक बेटर लाइफस्टाइल की लालच देकर या फिर सिंपली किडनैप करके चाइना एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। देखिए, सिंस इंडिपेंडेंस पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी पॉपुलेशन 23% से 3.7% हो चुकी है। इनमें हिंदू, क्रिश्चियंस और सिख कम्युनिटीज हैं। इस गिरावट का मेन कारण रहा है फोर्स्ड कन्वर्जन्स, किडनैप या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और ये यूनाइटेड नेशंस में हमें ह्यूमन राइट सिखाते हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, 100,000 कश्मीरीज हैव डाइड इन द पास्ट 30 इयर्स because they were denied the right given by the United Nations. हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। देखिए, पाकिस्तान के वजीरे आजम भले हाथ में कटोरा लिए घूमते हो, मगर इनके आर्मी जनरल्स के लाइफस्टाइल को देखकर आप बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी भूल जाओगे। और पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट भी आर्मी का ही है। नाम है द फौजी फाउंडेशन।
ये फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान के अंदर 25 से भी ज़्यादा कंपनीज चलाती है, जिसमें यह राशन, बिस्किट, सैनिटरी पैड्स और यहाँ तक कॉन्डम्स तक बेचते हैं। और ये बनिए की फौज हमारी इंडियन आर्मी को चैलेंज करती है। आइए एक नज़र डालते हैं इनके कुछ मिलिट्री जनरल्स के प्रॉपर्टी पर। परवेज़ मुशर्रफ, पाकिस्तान, दुबई, यूके में 100 से भी ज़्यादा हाउसिंग प्रॉपर्टीज़ के मालिक हैं और बैंक डिपॉजिट्स हैं इनका 2.8 बिलियन US डॉलर्स। आसिम बाजवा, 4 देशों में 99 कंपनीज, जिसमें से एक कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स में सेट पापा जॉन्स पिज़्ज़ा चेन है, जिसमें अकेले 133 रेस्टोरेंट्स है, जिसकी टोटल वैल्यूएशन 39.9 मिलियन US डॉलर्स है। जनरल अशफाक परवेज कयानी, इनके तो शौक ही नवाबी हैं। इनकी तो ऑस्ट्रेलिया से सट कर अपना एक प्राइवेट आइलैंड है, जहां ये रिटायरमेंट के बाद बड़े आराम से रह रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, पाकिस्तान के अंदर आर्मी की गवर्नमेंट पर पकड़ इस बात से जाहिर होती है कि सिंस इंडिपेंडेंस 50% ऑफ द टाइम आर्मी ने कंट्री को रूल किया है। इनके आर्मी जनरल्स अपने बच्चों को तो फॉरन पढ़ने भेज देते हैं, मगर गरीब के बच्चे के हाथ में पकड़ाते हैं कलाश्निकोव और कहते हैं जाओ टूट पड़ो इस इंडियन आर्मी पर, यही तुम्हारा जिहाद है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट बस एक पपेट है इनके हाथों में। 2019 की बात है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स हाउस को एक ब्रिगेडियर के बच्चे की शादी के लिए यूज किया गया। सोच के देखिए, क्या ये किसी और देश में पॉसिबल है? देखिए फ्रेंड्स, पाकिस्तान की हालत हमेशा से ऐसी नहीं थी। लेट 1960s में पाकिस्तान के पर कैपिटा इनकम इंडिया से भी ज्यादा थी, मगर कांस्टेंट आर्मी कंट्रोल और इनके जनरल्स की लूटखोरी से आज ये देश दिवालिया हो गया है। राशन खरीदने के पैसे नहीं है, मगर मिलिट्री और मिलिटेंट्स को खिलाने के लिए हरी पत्तियां हैं इनके पास। इनके आर्मी जनरल्स न जाने कौन सा झंडा गाड़ के आए हैं जो कोट पे इतने बड़े बड़े मेडल्स लटकाए घूमते हैं। एक जंग तो आज तक जीती नहीं है इन्होंने। फ्रेंड्स, होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक क्यों कहा था। इफ यू लाइक आवर वर्क, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, उनको भी तो पता चले इस बनाना रिपब्लिक के बारे में। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।